दूसरों की शादियों में नाचने वाले एक लाख दो लाख तीन लाख तो लहंगों के लोग ऐसे ले रहे हैं जैसे पता नहीं कहीं मंडे मार्केट में सब्जियां बिक रही हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है तो मैं पहले बता देती हूँ, मुझे अभी कोल्ड हुआ हुआ है, कल बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा सा ठीक हो गया है। सो आई एम फाइनली बैक इन माय फॉर्म। और आज है 31 अक्टूबर, कल से नवंबर शुरू होने वाला है। एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था हर मंथ एक ब्लॉग आया करेगा आपके लिए, मोर लाइक अ वीक इन माय लाइफ, कुछ कुछ एक्साइटिंग होगा तो उसकी क्लिप्स लेती रहूँगी। और आज भी कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। सो मेरी कॉलेज फ्रेंड की शादी है, परसों एक फंक्शन था जागो संगीत का, मैं उसमें गई थी और उसी के रात मुझे कोल्ड हो गया था। कल बहुत ज़्यादा मेरी नोज वोज चोक थी, कल भी एक फंक्शन था, मैं उसमें जा नहीं पाई। अब फाइनली थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ, सो आज मैं जाने वाली हूँ शादी पे। शादी पे तो जाना जरूरी है यार, बहुत अच्छी कॉलेज फ्रेंड है मेरी। सो मुझे लगा व्लॉग कर लेते हैं आज, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले मुझे हेयर कट लेना है, मैंने लास्ट हेयर कट लिया था फेम में, और मैं लिटरली अभी इतने टाइम से सोच रही थी कि मैंने जस्ट अभी तो हेयर कट लिया था, मतलब आगे के मेरे वाले काफ़ी ग्रो हो गए। और मैंने जब कैलकुलेट किया ना, मुझे तब याद आया मैंने फेम में लास्ट हेयर कट लिया था, और अभी नवंबर शुरू होने वाला है, मतलब टाइम इज लिटरली फ्लाइंग। अभी मैंने ऑयलिंग वगैरह करी है, इसलिए मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं। सेकंड आता है आउटफिट का, अब अगेन आउटफिट के बड़े रोने हैं यार इंडियन। तो मतलब एक तो मैं फोटोज बहुत डालती हूँ, और जब इन्फ्लुएंसर हो के आप बहुत सारी फोटोज डालती हूँ ना, तो चाहे आप आउटफिट एक बार पहनो ऐसा लगता है कितनी बार पहन लिया यार, मेरे सॉरी नहीं बैठा जा रहा, सो ऐसा लगता है कितनी बार पहन लिया यार। सो अब मैं कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने की सोच रही हूँ, ऐसा कुछ डिफरेंट भी नहीं, लेकिन मैं ना मिक्स एंड मैचिंग अब शुरू करने वाली हूँ, बिकॉज मैक्सिमम आउटफिट्स मैं एक एक बार पहन चुकी हूँ और इंडियन आउटफिट महंगे आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है एक बार पहना और फिर उसको रख दिया, मैं सोर्स नहीं करती, मैं किसी रेंट पे लेती, मैक्सिमम चीजें मैंने खुद ही खरीदी हुई है, तो मुझे पैसा वसूल करना है। तो मैंने जस्ट अभी एक आउटफिट क्रिएट करके देखा है, जो मैंने एक अमेज़न हॉल में ना खाली दिखाने के लिए आपको पहनकर दिखाया था, लेकिन वो कॉम्बिनेशन एक्चुअल में अच्छा लग रहा है, सो आज मैं वही पहनने वाली हूँ। सो दिस इज द आउटफिट, ये इंडिया की जैकेट है, ये मैंने अमेजोन से ली थी, अभी अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, बिकॉज मैंने रिसेंटली एक अमेजोन की वीडियो बनाई थी, शॉर्ट्स बनाई थी, उसमें इसका भी लिंक दिया था, तो तब एक दो साइज अवेलेबल थे, अभी बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो देख लेना। तो ऐसे लॉन्ग में ना जैकेट और यहाँ पे सेंटर में ऐसे स्लिट है, तो मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम पहना था, मैंने इसको पहना था जेगिंग्स के साथ, और जब मैंने इसको सेकंड टाइम पहना था, मैंने इसको पहना था गोल्डन कलर की पैंट्स के साथ, और अब यार थर्ड टाइम पहनने वाली हूँ, कुछ वैरायटी करते हैं। तो मैंने सेम जो हॉल बनाया था लास्ट ईयर, मैंने उसी में ये अमेजोन से स्कर्ट ली थी, ये ऐसे प्लेन बिल्कुल गोल्डन कलर की स्कर्ट है, कुछ ऐसी दिखती है ये, लेकिन ये ढीली है, ये बहुत ज्यादा ढीली है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड जनक इन मसया, आई डोंट नो, मैं सबकी लिंक नीचे दे दूंगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा ढीली है, मतलब लिटरली गिर रही है मेरी वेस्ट से। और वैसे भी जिम जाके थोड़ा सा मेरे साइड फैट ना कम हो गया, काफी टच हुआ, टमी फैट नहीं है लेकिन ये साइड के फैट मेरा थोड़ा सा कम हो गया। सो इसको मैं फिटिंग कराने वाली हूँ, प्लस मुझे ये वॉच भी फिट करानी है, ये है माइकल कॉर्स की वॉच, आई थिंक मैंने अभी तक इसकी बात नहीं करी थी, मैंने कोई पिक्चर भी डाली, सो ये मुझे रोके पे गिफ्ट में मिली थी बाय माय फ्यूचर सिस्टर इन लॉज, यू कैन से उन्होंने मुझे रोके पर पहनाई थी। सो ये एमके की वॉच है जो कुछ इस तरह से दिखती है, और इसकी मुझे फिटिंग करानी है। सो बिफोर आई स्टेप आउट, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट वन प्रोडक्ट विच इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी, मतलब इसको लगाए बिना तो मैं बाहर जाती नहीं हूँ, स्पेसिफिकली अगर मैं दिन के टाइम में जाती हूँ, आई थिंक अब तक तो गेस कर ही लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ सनस्क्रीन की। एंड यू गाइस कीप आस्किंग मी कि मैं कौन सी सनस्क्रीन लगाना प्रेफर करती हूँ। देखो जब मैं इधर उधर जाती हूँ छोटे मोटे काम के लिए, या फिर ज्यादा जैसे कोई पार्टी है वैसे इवेंट नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं टिंटेड सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, सो दैट मुझे अलग से मेकअप करने की जरूरत ना पड़े। ये हैक उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो कॉलेज जाते हैं, जिनको ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है। एंड अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, जैसे मेरी एक्ने की अभी मेडिकेशन चल रही है, तो काफी बार जो ट्यूब्स या जेल्स वो देते हैं ना, थोड़ी सी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो ऐसे फेज में ना मैं फिजिकल सनस्क्रीन लगाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिकल सनस्क्रीन, टिंटेड सनस्क्रीन, इट हैज टू बी डर्माको की 1% हाइलुरोनिक एसिड की टिंटेड सनस्क्रीन। दिस इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट टिंटेड सनस्क्रीन, जो सारे मेरे जो टिक मार्क्स होते हैं ना सनस्क्रीन के, वो कवर करती है। ये मेरी करंट वाली है जो ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाली है, मतलब आपको पैकेजिंग से थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा। एंड दिस इज द न्यू वन जो मैं खोलने वाली हूँ, ये थोड़ी सी बची है, इसको मैं फिनिश ऑफ कर दूंगी। आई लव दिस वन, जब भी डर्माको पे डील आती है मैं हमेशा नॉन स्पॉन्सर्ड में भी रिकमेंडेशन देती थी, पहले मैं काफी बार इसकी बात कर चुकी हूँ। 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल, इसमें SPF 60 विद PA
4 टाइम्स प्लस पावर पैक विद 26% जिंक एंड 10% टाइटेनियम ऑक्साइड है इसमें, जो परफेक्ट है एज अ फिजिकल बैरियर ऑन योर स्किन। ये एक यूनिवर्सल टिंट है, इसमें आप कलर देखोगे इसका एक हल्का सा वार्म पिंक सॉर्ट ऑफ एक अंडरटोन आता है जो ऑलमोस्ट हर एक स्किन टाइप पे सूट कर ही जाता है। एंड सिंस इसमें हाइलुरोनिक एसिड है ना, ये काफी अच्छा एक मॉइस्चर का बूस्ट देता है आपकी स्किन में, एक रेडियंस लेके आता है। तो अभी जो आने वाला विंटर वाला वेदर है ना, ये उसके लिए भी एकदम परफेक्ट है। फिजिकल सनस्क्रीन है तो जैसे कि मैंने कहा सेंसिटिव स्किन के लिए भी एकदम परफेक्ट है। SPF 60 इज क्वाइट हाई, काफी अच्छी हाई प्रोटेक्शन आपको मिल रही है विद PA 4 टाइम्स प्लस, प्लस आपको UVA UVB प्रोटेक्शन भी मिल रही है। एंड यू कैन सी मेरी स्किन में कितनी स्मूथली ये ब्लेंड हो गई, इसका बहुत अच्छा एक सिलिकॉनी स्मूथ टेक्सचर है जो बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है। और जो एक्ने रेडनेस है, जो थोड़े बहुत वैसे वाले विजिबल वाले होते हैं ना, जो रेडनेस बहुत ज्यादा दिखते हैं, ये उसको कहीं ना कहीं इवन आउट भी कर देता है। सो आई पर्सनली लव इट। अगर आप कुछ एवरीडे यूज के लिए कुछ वन प्रोडक्ट लेना चाहते हो जो आपके सारे रोल्स को प्ले करे, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड अ बीबी सॉर्ट ऑफ क्रीम एज वेल, आई वुड से ये वाली ले लो, आपके सारे काम हो जाएंगे। आई लव द पोस्ट एप्लीकेशन फील ऑफ दिस वन, काफी क्विक एब्जॉर्बिंग है ना, तो स्किन पर बिल्कुल भी ऐसे लेयर फील नहीं होती। एंड द फैक्ट दैट ये मैट भी है बट एट द सेम टाइम हाइलुरोनिक एसिड है, तो बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। डेफिनेटली रियली नाइस सनस्क्रीन, फ्रेग्रेंस फ्री है तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। डर्मोको के सारे प्रोडक्ट्स अब फ्रेग्रेंस फ्री हो गए हैं बाय द वे। ये अगर आपको लेना हो डर्मोको की वेबसाइट से आप यूज कर सकते हो मेरा कोड Kashika2022, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां से नहीं लेना तो आप Amazon Nykaa ले सकते हो, लेकिन वहां पर एक कोड नहीं वर्क करेगा। एंड दिस इज नॉट एन एफिलिएट कोड यार, मैं कुछ अर्न नहीं करी, दिस जस्ट फॉर माई ऑडियंस। ऑल्सो अगर आप डर्मोको की ऑफिशियल वेबसाइट से लोगे ना, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि एंड दे हैव प्लेज टू हेल्प 10,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर, विच इज जस्ट अमेजिंग। डेफिनेटली चेक इट आउट, रियली नाइस प्रोडक्ट। इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो जाते आते डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। And I am back. अब मैं वीडियोस में यही क्या करूँगी, जब मैं इतने तक कट ले लेती हूँ ना तो मैं अपनी वीडियोस में यही हरकत करती हूँ, मैं ऐसे फ्रंट फ्रंट के बाल आगे कर लेती हूँ सो दैट लोगों को लगे मेरे छोटे बाल हैं, जो नहीं है ऑब्वियसली। सो ज्यादा लेंथ मैंने कटवाई नहीं है, जो मतलब हर लेयर पे जो एक्स्ट्रा इतनी लेंथ थी ना वो मैंने हटवा दी। मैं विंटर्स में ज्यादा लंबे बाल रखती नहीं हूँ, मेंटेन नहीं होते, ठंड में सूखते नहीं है। सो या अब मैंने फेब के बाद सीधा अब कट लिया और अब मैं बाद में 5-6 महीने बाद ही लूंगी, इसलिए मेरा कट इतना चल जाता है, मुझे स्प्लिट एंड के इतने इश्यूज है नहीं, टच वुड। बट या वो कर्ल्स के लिए मैंने उनको बोला था कि मुझे ना ब्लो ड्राई से ही कर्ल्स दे दो, ही वॉज लाइक नहीं स्टे करेंगे, ब्लो ड्राई कर्ल्स खुल जाते हैं, आप प्रेसिंग मशीन टोंक्स ही करा लो और मुझे बाल नहीं डैमेज कराने यार। अभी जो लास्ट मंथ पूरा शादी का वो चला था ना, उसमें मेरे बाल बहुत डैमेज हुए थे, सो एक फंक्शन के लिए मैं बालों की वाट नहीं लगाने वाली। सो आई सेड आप ब्लो ड्राई वाली कर्ल्स कर दो, एंड आई थिंक अब वो खुलना शुरू हो गए हैं। उन्होंने बोला था इस पर हाथ मत लगाना, उन्होंने स्प्रे किया था बट उनका स्प्रे बीच में खत्म हो गया था। उन्होंने बाल अच्छे काटे लेकिन सर्विसेज बड़ी एवरेज थी, मतलब मुझे प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा लैकिंग लगा। A few moments later. चलो लेट्स गेट रेडी फॉर द वेडिंग। सबसे पहले नेल पेंट लगाई बिकॉज नेल्स काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे, मेरा जेल नेल्स कराने का मन था लेकिन टाइम नहीं था, सो ये मसाबा बाय नायका की नेल पेंट लगा ली जो काफी वेडिंग वाइब्स दे रही है। फटाफट से मेकअप करना स्टार्ट किया, इस बार मैंने ट्यूटोरियल शूट नहीं किया बिकॉज हर बार तो करती हूँ और मैं इस बार कुछ स्पेशल मेकअप तो कर नहीं रही थी, वही यूजुअल जो हमेशा करती हूँ, आपने मेरे चैनल पर काफी बार देखा होगा। सो फटाफट से तैयार हुई, अच्छे से मेकअप कर लिया, पिंक टोन में पिंक फैमिली का एक थोड़ा सा मैंने मेकअप किया था एंड दिस इज हाउ द फाइनल लुक टर्नड आउट। मैं लिपस्टिक हमेशा लास्ट में लगाती हूँ बिकॉज मैं खा जाती हूँ, बट दिस इज हाउ माई आईज लुक। आई थिंक लुक काफी अच्छी आई थी, प्लस बाल भी काफी क्यूट लग रहे थे, एंड लुक एट दैट बेबी जो साइड से देख रहा है मुझे तैयार होते, दैट इज ऋषा बाय द वे। ओके सो फाइनली आई एम रेडी, अब आती है इयररिंग्स की बारी। सो स्कर्ट से मैचिंग मुझे इयररिंग्स मिले जो एक इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजे थे, सो मैंने यही पहन लिया। एंड आई एम रेडी, लिपस्टिक रहती है जब बिल्कुल निकलने लगूंगी ना तब लिपस्टिक लगाऊंगी बिकॉज मैं खा जाती हूँ और फिर टचअप तो करना ही पड़ता है। दिल्ली से जाना है छतरपुर, सो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगेगा। सो अभी के लिए मेकअप देख लो कुछ ऐसा दिख रहा है। सो स्कर्ट मैंने पहन लिया, स्कर्ट से मैचिंग के मैंने इयरिंग्स पहने, मेरे पास ये किसी इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजे थे, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। सो ये मैच हो रहा, थोड़ा कंट्रास्टिंग मैंने प्ले किया, यूजली मैं ऐसे कंट्रास्ट करती नहीं हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बाकी जब वहाँ जाएंगे तो मैं स्टोरी वगैरह डालूंगी। सो सी यू देयर, बाय बाय।
रोड रन गेम होता है, तुम बोलते यार उसको याद आ रहा। आजा Several bad puns later. And I am back. और मेरी आवाज़ जा चुकी है, so really sorry for my voice. एक तो रात के 3:30 बज रहे हैं तो मैं थोड़ा धीरे भी बोल रही हूँ, बट या मेरी आवाज़ बिल्कुल जा चुकी है। 2-3 कोल्ड ड्रिंक पी ली थी एंड दर्द हो रहा है बोलते हुए। सो आई एम एंडिंग द व्लॉग नाउ, दिस इज़ माई हालत बेसिकली। आई थिंक 9 आवर्स हो चुके हैं इस मेकअप को क्यों है, आईज आर स्टिल इंटैक्ट। आई लव माई आई मेकअप टुडे, मेरी लाइनर आज काफ़ी परफेक्ट लगा है, सो आईज आर स्टिल इंटैक्ट। बाकी जो थोड़ा बहुत पैची हो जाता है वो तो हुई है, ऑयल रिडक्शन तो नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली मैं मेडिकेशन भी हूँ, तो ऑयल मुझे इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा ट्रेटिनॉन की वजह से। और यहाँ पर हल्की हल्की पीलिंग हो गई है बिकॉज 2-3 से ऐसे ऐसे रब कर रही हूँ तो यहाँ पे ड्राइनेस हो गई है। बट या सो अभी के लिए मैं आज के लिए ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। व्लॉग वैसे एंड नहीं कर रही, आगे भी कंटिन्यू होगा। 72 hours later. हेलो, आई एम बैक अगेन, माई वॉइस इज बैक अगेन। आई थिंक मैं लास्ट आपसे मिली थी 3 दिन पहले, पहले 2 दिन के रेस्ट के बाद मेरी आवाज़ थोड़ी वापस आई और आज मैंने दबा के कंटेंट शूट किया। आज क्या डेट, आई थिंक आज 4th November है समथिंग, मेरा फोन वहाँ पे रखा है, आई डोंट रिमेंबर द डेट। हाँ यार, स्कूल के बाद डेट्स नहीं याद रहती, बट यार 3 दिन से मैं तड़प रही थी यार। नवंबर शुरू हो गया, कॉन्टेंट शूट करना है, कॉन्टेंट शूट करना है। मंथली फेवरेट की मुझे बड़ी खुजली रहती है करने की, यार मन शुरू हो गया मंथली फेवरेट तो करने ही करना है, तो आज मैंने वो सारा रैप अप कर दिया है। मैंने जस्ट अभी कॉन्टेंट शूट किया और आप हालत देख रहे हो जरा, तो मेरा माइक सेटअप है ये सारा। मैंने कल्ट का भी शूट कर लिया, आई थिंक जब तक ये व्लॉग जाएगा ना वो वीडियो लाइव जा चुकी होगी। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कल्ट ऐप के बारे में, ऑथेंटिक है नहीं है, सामान कैसा आता है, तो मैंने पूरी एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाई है जिसमें मैंने हर चीज़ दिखाई है, प्लस मैंने क्या क्या शॉप किया वो, और मंथली फेवरेट तो मैंने शूट कर ही लिया है। सो मेरे 2 काम अभी डन हो चुके हैं, तो ये शूट का काम रैप अप कर दिया है। बारात शुरू होने से पहले, मेरे साथ वाले घर में शादी थी तो मैंने लिटरली खाना खाने से पहले ही फटाफट रेडी वेडी हुई, मतलब खाना लेट खा लूँगी पहले मैं शूट कर लेती हूँ बिकॉज फिर बैंड बाजा की आवाज़ चलती रहती है। सो वो काम हो चुका है, अब मुझे करनी है ड्रॉइंग बेसिकली। सो क्या होता है ना, आज का दिन है देव उठनी ग्यास, आज के दिन को देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं, देव उठान भी बोला जाता है। सो हिंदूज में क्या होता है, आज के दिन देवता उठ जाते हैं बेसिकली, तारा जो होता है वो बेसिकली उठ जाता है समथिंग, कि अब शादियां हो सकती है बिकॉज देवता जाग चुके हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए बेसिकली। सो आज के दिन हमारे यहाँ एक वो देवता बनाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है और उनको जो उठाते हैं ना वो अनमैरिड लड़कियां ही उठाती है, वो ऐसे मतलब यह रिवाज की वो मैरिड लड़कियां नहीं करती, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो करती हैं देव उठाने का जो होता है। सो वो तो रात को होगा, लेकिन उससे पहले हमें देवता पूरे वॉल वॉल पे बनाने होंगे, तो वो मैं अभी करने वाली हूँ, आप सबको भी दिखाऊंगी। आई एम व्लॉगिंग दीज मोमेंट्स बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट ईयर तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर अपने घर ससुराल जहाँ पर भी होगी आई थिंक। सो ये सब तो मैं ऑब्वियसली यहाँ नहीं कर पाऊंगी, सो दिस इज प्रोबेबली द लास्ट ईयर दैट आई एम डूइंग ऑल दीज रिचुअल्स। मेरा मन था व्लॉग कर लेते हैं, एक व्लॉगिंग इज बेसिकली अ डायरी, कि मैं बस अपनी डायरी में से लिखे जा रही हूँ, मोमेंट्स कैप्चर कर रही हूँ, सो दैट कभी फ्यूचर में याद भी आए ना तो देख देख के थोड़ा अच्छा फील होता है। सो यार कुछ मोमेंट्स अब ऐसे हो रहे हैं ना लाइफ में कि ऐसा लगता है बस। मेजर लाइफ अपडेट, एक चीज़ थी मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत टाइम से करनी थी, मतलब रिसेंटली इस साल के मिड के बाद मेरा इंटरेस्ट थोड़ा जाग गया था कि मुझे करना है करना, और मैं डिले करे जा रही थी, बट जिस दिन मेरी शादी की डेट फिक्स हुई, यस हो चुकी है, मैं भी कोई अपडेट नहीं दे रही, मैं चीज़ें थोड़ा सा शांत लेवल पर रख रही हूँ, आई बिलीव इन नजर एंड ऑल ना, तो मैं ऐसी चीज़ों को बताने नहीं वाली, चुपचाप चीज़ें चलेगी, आपको जब होगा तब पता चल जाएगा। सो जिस दिन पूरा शादी की डेट फिक्स हुई ना, आई वाज लाइक अब तो करना ही पड़ेगा कोर्स, तो मैं लिटरली उस दिन गई वहाँ अकेडमी में और मैं रजिस्ट्रेशन करा के आ गई। मैंने रजिस्ट्रेशन फीस दे दिया, फुल फीस अभी नहीं दिया, मंडे से वो कोर्स शुरू होने वाला है और वो क्या है वो आपको नेक्स्ट टाइम कभी फ्यूचर में पता चलेगा। दिस इज लाइक अ मेजर टिक इन माय डायरी, बेसिक जो ड्रीम्स होते हैं ना कि मुझे ये चीज़ भी सीखनी है। मैं लिटरली साइंस इंजीनियरिंग मार्केटिंग उसके बाद पीजी डिप्लोमा पता नहीं कहाँ कहाँ से शिफ्ट होकर अब इस करियर पे आई हूँ। सो मुझे इस करियर में भी कुछ ना कुछ एक अच्छा सर्टिफिकेशन कोर्स करना था, तो अब वो मैं करने वाली हूँ। आई थिंक मेजरली मैंने अपने ऑडियंस के लिए किया है कि यार मैं अगर कुछ सिखा रही हूँ ना तो मुझे पहले खुद सीखना जरूरी है। आई थिंक अब तक आपको आइडिया लग गया होगा क्या है वो, बट अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगी, जब शुरू होगा ना फिर अच्छे से बताऊंगी क्या है क्या नहीं। बट या सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, हेलो माइक चेक 1 2 1 2 3 आई एम मेकिंग दैट देवता जो मैंने आपको बताया। दूसरों की शादियों में नाचने वाले जाना, बाहर जाके जा, बाहर जाके नाच जा। हाँ पर पिछली बार जैसा नहीं बना रहे आप। अरे ये डार्क है ना, ढाई रंगों वाली लाइट थी, ये डार्क है टाइम। अब बनाना है चांद। अब क्या बनाए, तारे बनाए अभी सेंटर में चांद।
एंड इट्स डन. इस बार मैंने प्रॉपर वाले बनाए गूगल से देख के. इन केस यू डोंट नो, ये देवता होते हैं, ये है तारे, बिकॉज आज के दिन तारा जाग जाता है, अब शादियाँ होती हैं. ये चांद है, दिस इज सत्या. ये दो तुलसी हैं, बिकॉज आज के दिन तुलसी विवाह भी होता है. ये देवता विष्णु भगवान, आई थिंक, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट उनको सिम्बलाइज करता है. और यहाँ नीचे पैर बनाए जाते हैं. बेसिकली पैर होते हैं हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं अभी घर में करंटली, उन सब के नाम के पैर बनते हैं. एंड दिस इज देवता डन. अब हम सारे गेट्स में ऐसे डॉट डॉट्स बनाएंगे, इसी से जो ये जिससे मैंने बनाया ना उससे हम सारे डॉट डॉट बनाएंगे. और फिर शाम को इनकी पूजा होगी, हम देवता को उठाएंगे. और ये वृतिका की ट्रेनिंग चल रही है, उसे वृतिका बनाएगी. ये दिखा वृतिका कैसे बना रही है, बहुत छोटे छोटे नहीं बना रही, खुद बना लो, थोड़े बड़े बड़े बनाना, ऐसे छोटे छोटे दिखते थोड़ी है, चीटी चीटी बना रही है बिल्कुल. हाँ इतने बड़े पागल हो क्या, दूर से दिखता है अच्छा लगता है, दिखने चाहिए. हाँ बस चलो. मैं काटू तू पीसे नारायण, मैं पीसू तू ढूंढे नारायण, मैं भूलू तू पकाए नारायण, मैं पकाऊ तू खाए नारायण. जाओ 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 जाओ. मीठा कम डलो, टेस्ट नहीं आएगा, दो चम्मच में टेस्ट नहीं. 500 रुपीस का मुझे भी 500. दिशाओ कितने मिले, 100 बेचा. ये देखो 11 में चोर गाइस, पैसे दिखाओ अपने पैसे, ऐसे दिखाओ पैसे, पैसे द नेक्स्ट डे. हेलो हेलो, इट्स द संडे. मैंने मंडे व्लॉग स्टार्ट किया था और आज संडे हो गया. इट्स लाइक अ होल वीक इन माय लाइफ काइंड ऑफ व्लॉग, और यहाँ पे मैं एंड कर दूंगी. लेकिन आज हम कहीं एक्साइटिंग जा रहे हैं, सो आई एम काइंड ऑफ ऑफिशियली बिगनिंग माय वेडिंग शॉपिंग, यू कैन से. अभी स्टेज वन चल रहा है विच इज रिसर्च एंड एनालिसिस. तो मुझे ना रैंडमली इंस्टाग्राम पे ऐड दिखा था अबाउट ब्राइडल वेडिंग एशिया जो होता है ताज में हो रहा है दिल्ली में. दिल्ली में एक ही बार होता है, बाकी फिर अलग अलग स्टेट्स में होता है. सो मैंने उसके लिए रजिस्टर किया था, सो आई एम गोइंग देयर. उससे क्या होता है, आपको एक रूफ में ना सारे डिजाइनर ब्रांड्स दिख जाते हैं, आपको एक कंपैरिजन पता चल जाता है. बिकॉज करंटली मुझे बिल्कुल नहीं है किसके क्या प्राइसेस होते हैं, और मैं रेडी भी हो गई. मैंने काफी थोड़ा क्लासिक क्लासी सा पहना है, बिकॉज जहाँ जा रहे हो थोड़ा सा उसके हिसाब से पहनना पड़ता है ना. सो आई वोर दिस आउटफिट, यहाँ पे सारा कबाड़ रखा हुआ, इग्नोर दैट. आई वोर दिस पैंट जो मैंने थ्रिफ्ट करी थी, मतलब बहुत पहले ली थी अपने लोकल एरिया मार्केट से, और ये मुझे फिट नहीं आती थी, बट फाइनली मुझे फिट आ रही है. एंड आई एम ऑल सेट टू गो, सो लेट्स गो. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Disappointment is the word. 2000 years later. हेलो, इट्स ट्यूजडे. आज है 8 नवंबर, आज गुरु पूर्व है बाय द वे. जब तक वीडियो लाइव जाएगी तब तक तो काफ़ी लेट हो जाएगा, बट हैप्पी गुरु पूर्व टू एवरीवन. सो इससे पहले जो आपने लास्ट क्लिप देखी थी वो थी संडे की. संडे को मैं गई थी वेडिंग एशिया में, एंड आई थिंक आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड. मतलब मुझे लगा था बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स होंगे, लेकिन वो बुटीक वाले जैसे लेबल्स होते हैं ना छोटे मोटे, और वो काफ़ी सारे, कोई बैंगलोर का था, कोई मुंबई का था. तो ऑब्वियसली मैं अगर फ्यूचर में कुछ लूँगी तो मैं स्टोव विजिट करके प्रॉपर लेना चाहती हूँ. वहाँ पर जो मेजरली लोग ले रहे थे ना उसी टाइम अपने स्टिचिंग एंड ऑल जो भी साइजिंग दे के ले रहे थे. खाली एक वहाँ पे स्टोर था हाउस ऑफ सूर्या करके, जो चांदनी चौक में भी, जिनका काफी फेमस है, और वहाँ पे मैंने लहंगे देखे हैं. लिटरली लहंगों का प्राइस 1 से 1.5 लाख, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख तो लहंगों के लोग ऐसे ले रहे हैं जैसे पता नहीं कहीं मंडे मार्केट में सब्जियां बिक रही हो. मतलब आई वॉज वेरी शॉक्ड. सो एक रियालिटी चेक तो मिल गया है कि शादी के कपड़े काफी महंगे आते हैं. अभी धीरे धीरे रिसर्च करूंगी और भी चीजों का पता चलेगा. मेरा दिल से मन है कि मैं अपनी एटलीस्ट वेडिंग पर तो एक लेबल अच्छा पहनूं जो डिजाइनर लेबल होता है, बाकी मैं फंक्शंस का
थोड़ा देख लूंगी चांदनी चौक एंड ऑल से, जो वैसे कोटोर वगैरह होते हैं वो सब मैं देखूंगी। ऑब्वियसली आई विल बी व्लॉगिंग द होल जर्नी। वो वाले सेशन के लिए आई थिंक मैं इस फ्राइडे जाने वाली हूँ, बट अभी फिलहाल मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई थिंक बहुत लंबा व्लॉग हो गया होगा, मैंने लास्ट मंडे शुरू किया था, अब ट्यूजडे हो गया है। सो या फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज शॉपिंग जाएंगे, व्लॉग्स बनाएंगे, मार्केट जाना शुरू करूंगी। बाकी कोर्स तो चल ही रहा है, अब मैंने बता ही दिया कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत वहाँ की भी ग्लिम्सेस आपके लिए रिकॉर्ड कर लूंगी, बिकॉज दे अलाउ रिकॉर्डिंग। उन्होंने तो खुद बोला कि अपना पेज बनाओ, ऐसे उसके ऊपर स्टोरीज एंड ऑल डाला करो, एंड आई एम लाइक मेरा तो पहले से बना हुआ है, मैं तो डालूंगी। सो या सो दैट इज द होल करंट लाइफ अपडेट। शादी की तैयारियां चल रही है, मेरा रैंडम कोई कोर्स करने का मन हो गया वो अलग ही चल रहा है, ऊपर से और भी जो प्रिपरेशन होंगी। कमिंग मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक, मतलब मुझे पता है बहुत चीज़ें ऐसे मेसअप होने वाली है, प्लस दिस वर्क एज वेल। ऑब्वियसली मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रही हूँ, तो कैंपेन्स ये सब भी सारा खुद करना होता है, सो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, बट लेट जस्ट होप सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। एंड दैट इज इट, आई एम एंडिंग द व्लॉग राइट हेयर। नए आए हो मेरे चैनल पर, अगर व्लॉग पसंद आया और यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल इन सम वे। देखो मैं कोशिश करती हूँ ऐसे टाइम पास वाले व्लॉग्स ना बनाऊँ, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देने की कोशिश करूँ वी आर सम मार्केट टूर्स, और कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको दिखाऊं, सो दैट आपको भी कुछ सीखने को मिले। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।